जी मैं ओम प्रकाश बूथ जब छोड़ रहा हूँ जी। तो यहाँ पे आज मतदान हो रहे हैं, तो काफ़ी मतदान हुए। हमारी सरकार को अच्छा रिस्पांस है, इस बार रिवाज बदलेगा और भारी से भारी मतदान जो है वो लुकड़ बूथ में हुए हैं जी। तो इस बार अच्छा, कितना टोटल वोटर कितना है इस बूथ में, कितने वोटर है? 717 वोटर। कितने प्रतिशत मतदान रहता है यहाँ का? यहाँ पे 550 के करीब मतदान होता है। 550 और इस बार तो रिवाज बदलेगा वो तो पक्का कन्फर्म है जी। हाँ जी, हाँ जी, इस बार बीजेपी रिपीट होगी, वो होगी। किन कारणों से होगी, क्या काम ऐसे किए हैं जिससे रिपीट होगी? देखिए यहाँ पे सड़कों का काम जो है वो भी ठीक ढंग से हुआ है और घर घर में जल नल का वगैरह सारा कुछ है। आपको लगता है विकास हुआ है? हुआ है। विपक्ष बोलता है कि कोई विकास नहीं हुआ है। देखिए विकास की तो अपना तो उनकी अपनी विचारधारा, वो तो बोलेंगे ठीक है ना। अब बिजली फ्री है, पानी फ्री है, घर घर नलके जो है वो सभी को लग रहे हैं, जिसके पास नहीं है नलका उनको भी लग। बिजली 150 यूनिट फ्री है, कांग्रेस आती है तो 300 फ्री होगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो वो ही बोलेंगे ना, 300 देंगे 600 देंगे, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, आएगी तभी तो। हर महिला को 1500 रुपये कांग्रेस दे रही है, उस बारे में आप क्या दे रहे हैं? 1500 रुपये तो बोलने का तो हम भी बोल सकते हैं जी, 3000 रुपया मंथली देंगे हम जी, पर ऐसे नहीं होता है कि हम 3000 रुपये मंथली देंगे। तो वो कैसे दे रहे हैं? वो भी तो दे रहे हैं, उनकी अपनी रणनीति है, अपना कुछ है, वो पता नहीं कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे जी। तो आप क्या देने वाले हैं इस बार? इस बार तो हम क्या देंगे, 1500 रुपया जो है वो तो कांग्रेस सरकार ही देगी जी। मतलब जिन्होंने 1500 रुपये लेना है वो बीजेपी को वोट ना करे। नहीं, अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि अभी से पहले से वो फॉर्म भर रहे हैं घर घर जाके कांग्रेस कार्यकर्ता, 1500 रुपये के लिए जो फॉर्म भर रहा है। भर रहे हैं, उनको बोलना है एक बार 1500 रुपये एडवांस में भी दे दें। एडवांस में 1500 रुपये दे देंगे, फिर मेरे को लगता है सरकार बदल सकती है।